हम जा रहे हैं बाहर क्योंकि शाम को हल्दी है, तो यहाँ पे खाना खिलाने का भी मेरे मौसा ने अरेंजमेंट कराया, हलवाई वगैरह लगाया है। और इधर दिखाती हूँ, मैं लगाया टेंट, अभी प्रॉपर तरीके से लगेगा। और ये बैठे हैं हलवाई, यहाँ खाना बन रहा है। और फिर सारे जितने भी गांव में लोग हैं जिनको इन्विटेशन गया होगा, सब लोग आएंगे, आज खाएंगे। वहीं मेरा भाई लगा हुआ है, मुँह छुपा रहा है, जो कि बेचारा पसीने से लथपथ, ये भी हेल्प करा रहा है। गाँव में आलू परवल की सब्जी बड़ी फेमस रहती है। देखो कैसे लगे हैं सब काटने के लिए। शहर की शादियां बहुत देखी हैं, मतलब लोगों की शादियों में गई हूँ, बट अपने घर की पहली शादी फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ। और एक एक छोटा छोटा जो भी रिचुअल्स हो रहे हैं, अरेंजमेंट्स हो रही हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा कोई फील नहीं हो रहा कि शहर गाँव कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, मतलब मुझे तो यहीं पर जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं बहुत बेस्ट लग रही हैं। बहुत दूर पर बस ये देखने के लिए मैं आई थी, अब जा रही हूँ वापस घर में। पैर रंगने की रस्म हो रही है, सबका एक एक करके पैर रंगेगा, जो कि यहाँ पे बहुत शुभ माना जाता है। सिंदूर लगने की रस्म हो रही है, जितनी भी लेडीज हैं यहाँ पे। आटा भुज चुका है, भुज गया है आटा, स्मेल आ रही है। इस आटे का भूज के प्रसाद बनेगा कुछ। आटा गूंद रहा है, ये पानी गुड़ के साथ ही साथ में मिलेगा। कमी पानी पानी भैया अगर नहीं अरे पानी। गुड़ चीनी दोनों का मिक्सर, तिल भी पड़ता है इसके अंदर, ये तिल अंगुली में गड़ी गई। अच्छा गाते हैं सर। ये तो जो बन रहा है इसे कसार कहते हैं, मीठा कसार, जो कि आटे को भून के बनता है। सेम डेकोरेशन जो दीदी के बर्थडे पे की थी और आज दीदी के हल्दी पे करेंगे अभी हम, ये सब फुलाएगा। डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है यहाँ की, देख सकते हैं, अभी मैं दिखाती हूँ, लाइट चली गई है, अंधेरा है। ये डेकोरेशन इतनी सुंदर, और यहाँ पे सारी तैयारी हो रही है, दीदी को हल्दी यहीं लगेगी बैठ के, और यहीं डेकोरेशन हो गया। यहाँ पे पूरा यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे पूजा होगी। हल्दी जी आ गए हैं, पहले पूजा होगी हल्दी लगने से पहले। नहीं।